हेलो गाइज, सब्सक्राइब चंद्रमणि आईएएस एकेडमी एंड हिट द बेल फॉर न्यू अपडेट्स। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऑन वेबसाइट ऑल्सो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखते हैं विधानमंडल के विधान बनाने की प्रक्रिया। विधानमंडल हो या संसद हो, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है उनका, जो मेन काम होता है वो होता है विधान बनाना। विधान मतलब कानून बनाना। विधानमंडल के विधान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत विधेयक से होती है, विधायक नहीं, विधेयक से होती है। और जब इसे राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाती है तब यह अधिनियम कहलाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक उसी तरह से संसद में भी होता है। संसद में भी इसकी शुरुआत विधायिका, विधेयक से होती है, और जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो यह अधिनियम और कानून बन जाता है। तो दोनों में लगभग सेम ही है, तरीका भी, प्रोसेस भी सेम है। संसद में मैंने करवा दिया था, अब विधानमंडल में देखते हैं। विधानमंडल में सामान्यतः तीन प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। वहाँ पे क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक भी होता है, और इनकी प्रक्रिया अलग अलग है। सबसे पहले विधानमंडल में पेश होने वाले जो विधेयक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला सरकारी विधेयक होता है और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। तो सबसे पहले देखते हैं सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक विधानमंडल के मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक जो होता है वह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। इसमें सरकार की नीतियां होती है और इसके पारित होने की उम्मीद होती है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार का बहुमत होता है और सरकार का जो मंत्री होता है वह उसे पेश करता है, तो उसके पास होने की चांसेस ज़्यादा होती है। यदि सदन द्वारा विधानमंडल यदि सदन द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाए तो क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देना होगा, और इससे प्रूफ हो जाएगा कि सरकार अल्पमत में है और उनको इस्तीफा देना होगा। वही जो गैर सरकारी विधेयक होता है, इसे विधानमंडल के मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। विधानमंडल में इसके पारित होने की उम्मीद कम होती है, अत्यंतिक वीटो लगा देंगे राज्यपाल साहब और उसे अपने पास रख लेंगे। और अगर यह अस्वीकृत हो जाए तो कोई बात नहीं, सरकार का मंत्री ने तो पेश किया नहीं था तो सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। तो यह है गैर सरकारी विधेयक। अब है साधारण विधेयक। अब देखते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की प्रक्रिया देखते हैं। साधारण विधेयक किसी भी मंत्री या विधानमंडल के सदस्य के द्वारा, संसद सदस्य के द्वारा किसी भी सदन में, विधानसभा में भी या विधान परिषद में कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, परंतु इसके प्रस्तुत करने के पूर्व इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। और साधारण विधेयक 5 चरणों से गुजरकर अधिनियम बनता है। तो ये 5 चरण देखते हैं। पहला, प्रथम पाठन। प्रथम पाठन का एकमात्र उद्देश्य होता है संसद की अनुमति लेना और उसे राजपत्र में प्रकाशित करना, बस यही उद्देश्य होता है। इसमें जब विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाती है तो सदस्य उसे प्रस्तुत करता है और उसका शीर्षक और उद्देश्य क्यों लाया गया इसके बारे में सदन को बताता है। और प्रथम पाठन का जो मेन उद्देश्य है वह उसकी प्रस्तुतीकरण और राजपत्र में उसको प्रकाशित करना। लेकिन अगर पहले ही वो प्रकाशित हो चुकी है तो सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस चरण में यानी प्रथम पाठन में विधेयक पे किसी प्रकार की चर्चा, वाद विवाद कुछ नहीं होता। सबसे जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है दूसरा, द्वितीय चरण, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, विधेयक में विस्तृत परिचर्चा होती है, उसे अंतिम रूप इसी चरण में दिया जाता है। इसकी तीन अवस्था है, पहला साधारण बहस की अवस्था, दूसरा समिति की अवस्था, और तीसरा है विचार विमर्श की अवस्था। तो साधारण बहस की अवस्था क्या होती है, इसमें सामान्यतः जब एक एक फोटोकॉपी सब सदस्य को दिया जाता है और वो चाहें वो इस पे विस्तार से विचार विमर्श करते हैं, वो चाहें तो 4 कदम उठा सकते हैं, या तो उस पे तुरंत चर्चा शुरू कर दें, अगर साधारण सा है तो तुरंत चर्चा शुरू कर देंगे, या कोई डेट तय कर देंगे कि इस तारीख को चर्चा होगी, या प्रवर समिति, संसद नहीं, विधानमंडल की प्रवर समिति या संयुक्त समिति। ये प्रवर समिति क्या होता है, प्रवर समिति में उसी सदन के सदस्य होते हैं और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, उसके समिति को सौंपा जा सकता है ताकि वो इस पे अपना विचार विमर्श करें। उसके बाद जनता की राय जानने के लिए उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। तो ये 4 तरीका है। तो जब समिति की अवस्था में होती है तो
समिति की अवस्था में विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति में सौंपा जाता है। यहाँ पे ये समिति क्या करती है, हर विषय पे, विधेयक के हर एक छोटे छोटे टॉपिक को अलग अलग करके उस पर विचार विमर्श करती है और उसके बाद जो समीक्षा आता है उसके साथ उस विधेयक को सदन को वापस कर देती है। उसके बाद होता है विचार विमर्श की अवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब समिति से वापस विधेयक आ जाता है तब इसके हर उपबंध पे अलग अलग से चर्चा होता है और मतदान होता है। और ध्यान रखना है आपको कि इसी अवस्था में संशोधन किया जाता है, संशोधन जो होता है वो इसी अवस्था में होता है, और यदि संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह विधेयक का हिस्सा बन जाता है। अब है तृतीय चरण। इस चरण में क्या होता है, कोई भी संशोधन नहीं किया, जो भी संशोधन करना है सब द्वितीय चरण में होगा। तीसरे चरण में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता, इसमें केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है और कुछ नहीं होता। और जब यह स्वीकार कर लिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी इसे दूसरे सदन में भेज देते हैं। अब शुरू होती है चौथी चरण। चौथा चरण में क्या होता है कि यह विधेयक दूसरे, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें दूसरे सदन में विधेयक जाता है, और जिससे जैसे पहला दूसरा और तीसरा चरण हुआ पहले सदन में, सेम यही प्रोसेस दूसरे सदन में भी अपनाया जाता है। और इस चरणों से गुजरने के बाद दूसरा सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होता है, या तो वह विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दे, या जिस कर दे और सदन को लौटा दे, या उसको संशोधन के साथ पारित करके लौटाए, या उसे अस्वीकार कर दे, या उस पर कोई कार्यवाही ना करे, उसे लंबित कर दे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर कार्यवाही लंबित हो जाती है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि संसद में। उपरोक्त स्थिति में क्या होगा, जहां से विधेयक आया है वह सदन निम्नलिखित कदम उठा सकता है। क्या उठाएगा, यदि विधेयक संशोधन के साथ आया है तो वह अगर और वह संशोधन मान ले तो कोई बात नहीं, वह पारित होकर राज्यपाल के पास चला जाएगा। लेकिन प्रथम सदन अगर द्वितीय सदन को सदन के संशोधन को अस्वीकार कर देता है, या दूसरा सदन विधेयक जहाँ जिस सदन में गया है पारित, पहले सदन से पारित होकर जब दूसरे सदन में गया है और वह सदन पूरी तरह से अगर अस्वीकार कर दे तो, या दूसरा जो सदन है वह 3 महीने से अधिक समय तक उसको लंबित कर दे कोई कार्यवाही नहीं करे, तो राज्य के स्तर पे, राज्य विधानमंडल के स्तर पे क्या होगा, संसद का काम अलग था वहाँ पे, राज्य विधानमंडल के स्तर पे क्या होगा, विधानसभा चाहे तो उसे फिर से पारित करे, फिर से पारित करके विधान परिषद को भेज सकती है, और दोबारा विधान परिषद इसको अस्वीकृत कर दे या संशोधन के साथ पारित करे या स्वीकार ना करे या 1 माह से अधिक समय तक कार्यवाही ना करे तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा। यहाँ विधानसभा को एक अलग पावर है, साधारण विधेयक में भी अलग पावर है, वह विधान परिषद के मत को रद्द कर सकती है। साधारण विधेयक के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। विधानसभा 2 बार में किसी विधेयक को अधिक से अधिक विधान परिषद 2 बार में किसी विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है, पहले बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 महीने के लिए रोक सकती है। यदि कोई विधेयक विधान परिषद ने पारित किया, यहाँ कंडीशन अलग है, अगर विधान परिषद ने पारित करके विधानसभा को भेजा है और वो तब अस्वीकार कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है, वहां कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। साधारण विधेयक के पास को पास करने के लिए संसद के समान विधानमंडल की में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब है 5वां पाठन, राज्यपाल की स्वीकृति। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित, अगर राज्यपाल उसको स्वीकृति दे दे तो कानून बन जाता है, लेकिन उस स्वीकृति नहीं भी दे सकता, दे भी सकता है, सुरक्षित भी रख सकता है, और धन विधेयक यदि नहीं है तो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत एक और काम कर सकता है, वह राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, और जैसे ही वह राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखा, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के हाथ से सारी पावर चली जाती है, उसके बाद जो करेंगे वह राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति साहब भी उस विधेयक को चाहे तो स्वीकृति दे दें, ना दें, स्वीकृति रख लें, या राज्यपाल को कहें कि यदि धन विधेयक ना है तो वह राज्यपाल को कहेंगे इसको एक बार वापस करो, और वापस करके अगर दोबारा उनके पास आता है तो वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि संसद के मामले में है। अगर संसद में कोई विषय, कोई विधेयक पुनर्विचार होकर राष्ट्रपति के पास दोबारा आता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने को बाध्य हैं, लेकिन इस मामले में नहीं, राज्य के मामले में नहीं। अब देखते हैं धन विधेयक।
कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? निर्धारण करने का एकमात्र अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है, अर्थात विधानसभा के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है। इस निर्णय को चुनौती भी नहीं दी जा सकती। निम्नलिखित परिस्थिति में किसी भी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, उसमें किसी प्रकार के कर का आरोपण, उत्सादन, परिवर्तन या नियम या विनियमन हो, राज्य की संचित निधि आकस्मिक निधि में कोई धन जमा करना हो या निकालना हो, राज्य की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा करना हो, उसकी राशि में वृद्धि करनी हो, तो राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग करना हो, और राज्य सरकार द्वारा यदि कोई उधार धन लिया गया हो तो इन सब को मिला दिया जाए तो यह धन विधेयक कहा जाएगा। लेकिन कोई फीस, कोई जुर्माना, कोई स्थानीय प्रशासन के द्वारा, स्थानीय स्वशासन या प्रशासन के द्वारा कोई कर या फीस ली जाती है तो इसको धन विधेयक नहीं कहेंगे। धन विधेयक संबंधी प्रावधान क्या है? धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से बिल्कुल ही अलग है। धन विधेयक केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है और इसे केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह एक सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं हो सकता। और धन विधेयक विधानसभा में जब पारित हो जाता है उसके उपरांत इसे विधान परिषद में भेजा जाता, परंतु विधान परिषद के पास बहुत ही कम शक्तियाँ हैं, बहुत ही। वह क्या करेगी, राज्यसभा की तरह ही यहाँ पे भी शक्तियाँ हैं, वह ना तो इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, उसको अस्वीकार करने की ताकत नहीं है, और ना ही संशोधन कर सकती है। वह सिफारिश के साथ 14 दिन के अंदर विधानसभा को लौटा देती है, और यदि 14 दिन के अंदर नहीं लौटाई तो यह माना जाएगा कि यह दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है। विधानसभा पर यह निर्भर करता है कि वह विधान परिषद की सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे। अगर 14 दिन के अंदर नहीं भेजा तो उसे पारित माना जाता है। उसके बाद यह धन विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राज्यपाल के पास पावर है कि या तो वह स्वीकृति देगा या रोक लेगा या नहीं देगा स्वीकृति, लेकिन यह पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता क्योंकि यह राज्यपाल की सहमति के अनुसार ही रखा जाता है। और एक और पावर है कि वह राष्ट्रपति के लिए इसको सुरक्षित रख सकता है। अब राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख दिया तो राष्ट्रपति के पास भी वही पावर है जो राज्यपाल के पास है, या तो स्वीकृति देगा, नहीं देगा, रोक के रख लेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक के अलावा इसके अंदर कुछ कुछ होते हैं, जैसे टैक्स के बारे में होता है, कर लगाना, संशोधन करना, हटाना आदि राजस्व आय व्यय से संबंधित इसके अंदर विषय होते हैं, जिसके कारण इसको वित्त विधेयक कहते हैं। और इसको विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यपाल की सहमति से ही पेश किया जा सकता है, यही है। तो ये रहे आपकी विधान मंडल की विधान बनाने की प्रक्रिया।